कसरावत के ग्राम भीलगांव स्थित बेरटिया ग्लोबल कंपनी के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री के गेट पर बैठे श्रमिकों ने मैनेजमेंट के सख्त रवैये से नाराज होकर रैली निकालकर कसरावत के एसडीएम ऑफिस पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम अग्रिम कुमार को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों के द्वारा कंपनी पर पीएफ जमा नहीं करने और बकाया वेतन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। एसडीएम अग्रिम कुमार ने यहां पर श्रमिकों से चर्चा कर बताया कि कंपनी मैनेजमेंट से बात कर ली गई है, अगले 5 दिनों में सभी श्रमिकों को बकाया ओवरटाइम वेतन और पीएफ का भुगतान नियम अनुसार कर दिया जाएगा। साथ ही लेबर विभाग के समक्ष अधिकारी जांच कर श्रमिकों को लंबित भुगतान नियम अनुसार दिलवाने की भी व्यवस्था करेंगे। क्या कारण भैया, क्या ये उग्र आंदोलन के ऊपर आपको आमादा होना पड़ा और अभी यहाँ आने पर क्या आपको आश्वासन मिला है? हम गरीब लोगों का 12 साल से वीआरएस नहीं मिला है, यहाँ कंपनी ने ना हमारी को ग्रेजुटी दी है, ना पीएफ हमारा जमा किया, ना टाइम से सैलरी देता है। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे कि हमारे हर कागज की गवर्नमेंट से जांच करवाई जाए और हमारा रुपया रुपया वापस दिलाया जाए। एडीएम महोदय ने बोला है कि श्रम कार्यालय में हम देंगे, वो आएंगे, जांच करेंगे कागजों की, उसके बाद तुम्हारा जो भी हाल होगा वो निकालेंगे। कितने दिन का आश्वासन दिया अभी? अभी हमारे को 15 दिन का आश्वासन दिया है। और दिसंबर की सैलरी के लिए हमें बोला गया है कि हम अगले 5 दिनों में करवा देंगे, मतलब डाल देंगे। तो पीएफ तो आपका हर महीने कटता है, उसके पीएफ विगत 12 महीने कट जाता है, लेकिन कागज में कट जाता है, बाकी हमारे पास ना उसका कोई प्रूफ रहता है ना कुछ होता है, हमारी बैलेंस शीट में जीरो बताता है। पीएफ में भी बहुत धांधली हुई है, बीच में मिल बंद करके नए सिरे से सभी लड़कों को ज्वाइनिंग दे दी है, किसी का पीएफ का पूरा पैसा बनने नहीं दिया, किसी की ग्रेजुटी बनने नहीं दी है। लाखों करोड़ों का घोटाला, एक व्यक्ति का कितना कितना पैसा होगा लगभग? हर व्यक्ति का अगर ग्रेजुटी और ये सब मिला के शासन नियम अनुसार दिलाती है तो 1.5 से 2 लाख रुपया बनेगा। मतलब कितने मजदूर है इसमें कंपनी में? भी इसमें 700 मजदूर काम पे है, बाकी इन्होंने इनकी तानाशाही करके सभी को ठेकेदारी में ले लिया है। अभी करीबन 200 व्यक्ति श्रमिक यहाँ पर रेगुलर है। बाहर का ठेकेदार कोई नहीं है, कंपनी ही ठेकेदार है और वही सर धोखेधड़ी कर रही है। अलग अलग कोड बना लेते हैं, कोड बना। नाम लिखते हैं आप? मैं अजय जोशी। काफी दिनों से गुस्सा देखा जा रहा था, आज उबल गया और रोड पे आ गए हैं और कंपनी पे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, जो मजदूरों से कमिटमेंट किया गया था उस कमिटमेंट के अनुसार सारी चीजें चल रही थी, ठीक है ना। और अभी भी जो मामला है वो माननीय एसडीएम साहब के उसमें है, संज्ञान में है, उसमें जो भी डिसीजन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उस आधार पे कंपनी सारी चीज़ें कर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ भी जो भी है और इससे आगे जो, क्योंकि माननीय एसडीएम साहब के कमिटमेंट के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके संज्ञान में मामला है, तो उसमें जो भी कोई टिप्पणी करना मेरे लिए अभी अनुचित होगा। उसमें जो भी रहेगा सारी चीज़ें निकल के आएंगी, उन्होंने कल बुलाया भी है, उसके अनुसार सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसके लिए आपको आगे अपडेट कर दिया जाए। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना, सारी चीज़ें जो हैं वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के संज्ञान में है, तो उसके अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें जो भी अपडेशन होगा आपको फर्दर बताया जाएगा। आज कुछ भी कहना, कुछ भी उस पर, उस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नहीं, उनको जो भी जो मजदूरों को कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट 100% फुलफिल किया गया है। उन्होंने अपने जो भी है कमिटमेंट के बावजूद भी 29 तारीख की रात में प्लांट बंद किया, ठीक है ना। आज तक हमारा पीएफ जमा नहीं किया है, जब सब चीज़ इस चीज़ का डिस्कशन हो गया था, इस चीज़ के अनुसार सारी चीज़ें बताई गई, चालान नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, उनको बताया गया, उसके बाद में भी कहीं कोई अगर कोई चीज़ रह गई है तो उस चीज़ को आप देखा जाएगा। माननीय एसडीएम साहब के उसमें है, संज्ञान में है सारी चीज़ें, उसके अनुसार काम किया जाएगा। क्या नाम है? संतोष भदौरिया। सर, ये गैरिट ग्लोबल कंपनी में श्रमिकों का जो पैसे का मामला है, सैलरी है, ये का मामला है, आज एसडीएम ऑफिस आ गया, क्या मामला है जी? आज गैरिट फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे वो शिकायत लेकर आए थे कि उनका कई सालों से जो पेंशन पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसका भुगतान नहीं हुआ है और वेजेस का भुगतान भी नहीं हुआ है, तो उसके संज्ञान में लेते हुए उनसे चर्चा करके, उनके प्रतिनिधि ग्रुप से बात करके तथा फैक्ट्री मैनेजर से भी बात करके ये डिसीजन लिया गया है कि कल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर है और जो वेज इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और लेबर कोड के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, वो आएंगे, प्रॉपर जाँच करेंगे कि जो जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, अगर उनका कोई लंबित भुगतान है तो वो भुगतान का क्या अमाउंट है और जितना भी भुगतान लंबित है उसको नियमानुसार उनको दिलाया जाए। मेरी फैक्ट्री मैनेजर से भी यही बात हुई है कि वो तत्काल 5 दिन में इनका जो पेंडिंग ओवरटाइम और वेजेस हैं वो क्लियर करेंगे, उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया है,
और हम इंश्योर कराएंगे कि वो क्लियर करें, और बाकी जितना भी लंबे पीएफ कंट्रीब्यूशन बाकी है वो नेक्स्ट 15 डेज में वो क्लियर करेंगे। वर्करों को भी कुछ बात हुई थी सर, क्या बात हुई? वर्कर्स की बेसिकली यही डिमांड थी कि उनके कई साल जो करोना पीरियड था 2019 था से लेके 21 तक उनका बहुत सारा पीएफ पेंडिंग है। मेरे सामने भी एक रिपोर्ट रखी गई है जिसमें मेरे को भी स्पष्ट है कि पेंडिंग है, तो इसलिए मैंने फैक्ट्री मैनेजर को निर्देशित किया है कि जो आपका पेंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा, ताकि किसी भी वर्कर को कोई दिक्कत ना हो, कोई आर्थिक स्थिति खराब ना हो। तो यही इंश्योर करने के लिए आज मीटिंग करी गई थी दोनों ग्रुप्स के साथ भी, फैक्ट्री मैनेजर्स और वर्कर्स के ग्रुप के साथ। तो इसमें ये स्पष्ट है कि जो पेंडिंग भुगतान है वो उनको करना पड़ेगा मतलब आगामी समय में, और उन्होंने भी कमिट किया है, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि विद इन नेक्स्ट 15 डेज ये क्लियर हो जाएगा और इनकी जितनी भी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।